हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने वाले हैं मसाले वाली चाउमीन। थोड़ी सी हटके रेसिपी है ये, मेरी वाली रेसिपी है दोस्तों, और मैं आपसे दावा करती हूँ कि ऐसी चाउमीन ना आपने पहले कभी नहीं खाई होंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियालीज किचन में। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीज किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक पतीले में ले लेंगे पानी, और पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और उससे पहले ना पानी में हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। मैं इसमें ना चिकन डालने वाली हूँ दोस्तों। अगर आप बिना चिकन के बनाना चाहते हो तो आप वो भी बना सकते हो। तो थोड़ी सी चिकन, बोनलेस चिकन मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है, और पानी गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे। और चिकन को हम थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। तो नमक तो हमने डाली ही है, चिकन के अंदर नमक चली जाएगी। बोनलेस चिकन है ना, तो बॉईल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एक बार चेक कर लेना, ये बॉईल हो जाएगी दोस्तों 15 से 20 मिनट में अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएगी। तब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो ये ठंडा हो तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो एक बड़े से पतीले में हम ले लेंगे पानी, और पानी में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और पानी में ना हम एक उबाल आने देंगे, अच्छी तरीके से गर्म होनी चाहिए। और जैसे ही ये गर्म हो जाएगी तब हम उसमें डाल देंगे ये चाउमीन। मैं यहाँ पे नॉर्मल वाली चाउमीन यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो हक्का नूडल्स भी यूज़ कर सकते हो। और मैंने ना इसको इस तरह से तोड़ लिया है। अगर आपको लंबा लंबा नूडल्स पसंद है तो वैसे भी आप रख सकते हो। थोड़ा सा तोड़ने से क्या होता है, आप ना इसे अच्छे से मिला सकते हो। नहीं तो बहुत बार होता क्या है कि चाउमीन लंबा रह जाता है और वो मसाले के साथ अच्छे से मिल नहीं पाती है। तो आपको ना इसे तब तक पकानी है जब तक चाउमीन जो है वो थोड़े से नरम नहीं हो जाते हैं। तो चेक कैसे करना है, हाथों से एक बार तोड़ लेना ये अच्छे से टूट जाए। नहीं तो सबसे आसान वाली प्रोसेस है कि आप इसे खा के ही देख सकते हो। तो ये हो गई है, मैं इसको निकाल लेती हूँ पानी में से। ये देखो मैं पानी में से निकाल के लेके आई हूँ। आप चाहो तो थोड़ा सा ठंडा पानी से इसको धो भी सकते हो, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना ये आपको करनी है। हाथ में थोड़ा सा तेल लेना है, इसको अच्छे से मिला देना है। इससे क्या होगा, अपनी चाउमीन ना खुली खुली रहेगी। तो इसको साइड पर कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट हम ले लेंगे अंडा। आप चाहो तो दो अंडे भी ले सकते हो, मैं एक ही अंडे से बना रही हूँ। थोड़े से नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे, और फिर से इसको भी साइड में कर देंगे। और ये देखो चिकन जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अभी हम इसको श्रेड कर लेते हैं। अब आप ना चिकन को, अगर आप चिकन डालना चाहते हो तो चिकन को ना बिना बॉईल करे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बॉईल करने से क्या होगा, ये ना तेल कम पिएगी, तो इसलिए मैं बॉईल करके ले रही हूँ। तो उसके बाद चलेंगे सीधा गैस की तरफ। तो गैस पे हम ले लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई का जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो बिल्कुल नीचे ही रहनी चाहिए, या फिर एक वोक ले लेना। और उसमें तेल डाल के तेल को थोड़ा सा गर्म करना है। मतलब कि ऑमलेट में हम जितना तेल डालते हैं ना, एक चम्मच जितना, उतने ही तेल हमको इसमें डालनी है। और ये स्क्रैम्बल्ड एग हमें बना लेनी है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको बना लेंगे, और जैसे ही ये अच्छे से फ्राई हो जाती है इसको हम निकाल लेंगे तेल में से। और सेम कढ़ाई में हम डाल देंगे फिर से थोड़ा सा तेल। तो पहले मैंने एक चम्मच तेल डाली थी और बाद में मैंने एक ही चम्मच तेल डाली है। और इस तेल में भी हम चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो नमक तो हमने बॉईल करते समय डाली ही है दोस्तों, इसलिए नमक हम नहीं डालेंगे। 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे फ्राई करने के बाद हम इसको कर देंगे मीडियम टू लो पे, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर डालेंगे, और सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब ये देखो कलर देख के आपको पता चल रही होगी कि ये फ्राई हो चुकी है। तो अभी हम चिकन को निकाल लेंगे कढ़ाई में से, और उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे फिर से थोड़ा सा तेल। मतलब कि अब हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। गरम तेल में हम डाल देंगे 1 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन। 10 सेकंड तक फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज के बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज डालने के बाद ही हम फ्लेम को कर देंगे हाई पे, और प्याज को बस 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये गाजर। गाजर डालने के बाद हम इसको ज़्यादा टाइम नहीं पकाएंगे दोस्तों, 10 से 15 सेकंड्स, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये शिमला मिर्च।
थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल देंगे और हाई फ्लेम पर ना हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। थोड़ी देर मतलब वही 10 से 15 सेकंड। उसके बाद हम इसके ऊपर से डाल देंगे ये बंद गोभी। और हाँ दोस्तों, सारी सब्जियों को ना अच्छे से धो लेना काटने के बाद। और बंद गोभी को डालने के बाद 5 सेकंड बस मिलाने के बाद ही हम इसमें डाल देंगे ये चिकन। और बस सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी है। 2 बड़े चम्मच जितना मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टोमेटो केचप। बस 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सोया सॉस। थोड़ा सा हम डाल देंगे विनीगर, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, और ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मीट मसाला, और थोड़ा सा यहाँ पे चाट मसाला अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। थोड़ी सी हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, और इन सारी चीज़ों को हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए मिला लेंगे। सारी चीज़ें पक चुकी है दोस्तों, अभी टाइम आ चुका है अपने ये चाउमीन डालने का। अब ये देखो चाउमीन कितनी खिली खिली है, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, बिल्कुल वैसे ही डालनी है। बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों, चाउमीन को बॉईल करते समय ही पानी में तेल डाल देते हैं। वो तेल तो तैरती रहती है पानी के ऊपर, जैसा कि हम सभी को पता ही है, और वो तेल ना बिल्कुल वेस्ट होती है, कोई काम की बात नहीं होती है, बिल्कुल वेस्ट हो जाती है। तो वैसा आपको नहीं करनी है, आपको बाद में ही तेल ऐड करनी है। तो ये देखो बातों बातों में अपनी चाउमीन बल्कि बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब सर्व करना है इसे गर्मा गर्म। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा यमी बनी है दोस्तों, मसाले वाली बनी है। एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना दोस्तों, आपको यह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और बना के ना मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वाले मसाले वाली चाउमीन कैसे बने हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को ताकि इस तरह के वीडियोज़ में आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ।